हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। तो उससे पहले कुछ फ्लावरिंग देख लीजिए। बोगनविलिया में जो लास्ट टाइम फ्लावरिंग हुआ था, काफ़ी लॉन्ग टाइम से अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है। और इधर मैरीगोल्ड का जो कॉर्नर है, इसमें भी काफ़ी खूबसूरती आ गया है। बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है, देख रहे होंगे आप सब। और इधर देखिए, सारे जो क्रिसमैंथम की कटिंग लगाए थे वो सारे हैं और सारे में वर्ड्स आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, वर्ड्स तो आ रहे हैं क्रिसमैंथम में, लेकिन इस बार बहुत अच्छे प्लांट नहीं हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट मैं ग्रो की थी इसे। लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छे से वर्ड्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अब इसमें जो फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। वर्ड्स आने के बाद कौन से फर्टिलाइज़र हमें ऐड करना चाहिए क्रिसमैंथमम में, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या फिर इस टाइम आप केमिकल फर्टिलाइज़र को अवॉइड करें, वही ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए, इस तरह से जब आपके प्लांट मुरझाने लगे तब आप उसे पानी दें। ओवर वाटरिंग तो इस टाइम बिल्कुल ना करें, जब वर्ड्स बन रहे हों आप तब पानी दें उसमें। जब इस तरह से पत्तियां नीचे की ओर झुक जाए तभी आप वाटरिंग करें। और क्रिसमैंथम में वाटरिंग करने का एक और मेथड होता है, उसकी पत्तियों पे कभी भी आप स्प्रे ना करें, नहीं तो उसमें मिली बग्स बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों के यहाँ ना ये जो क्रिसमैंथम है वो बर्ड्स बनाना काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था, अब उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ सर्दियाँ थोड़ा लेट आती है, इसलिए बर्ड्स भी काफ़ी लेट बनते हैं। और मैं खास करके काफ़ी लेट तक पिंच करती रहती हूँ, इसलिए बर्ड्स नहीं बनते हैं। और ये देखिए फर्टिलाइज़र जो मैं आज ही यूज़ करने वाली हूँ, तो ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। इसमें मैंने 24 घंटा पहले मस्टर्ड केक जो होता है उसे डाल दी थी और वो अब काफ़ी अच्छे से घुल गया है इसमें। तो इसका बिल्कुल नॉर्मल सा लिक्विड बना करके, बिल्कुल हल्की लिक्विड बना करके हमें डालना है। आप इस फर्टिलाइज़र को किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप बहुत ही हल्का सॉल्यूशन बनाकर इसे यूज़ करें, काफ़ी हार्ड ना करें। और इस तरह से पूरी तरह से मेल्ट होने के बाद आप अपने प्लांट में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप हर 15 दिन बाद कर सकते हैं, किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, ये प्लांट के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। खास करके क्रिसमैंथमम या फिर हिबिस्कस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और भी आप कई प्लांट में डाल सकते हैं, देखिए मैंने बोगनविलिया में भी डाला है और भी सारे प्लांट में मैं डाली हूँ इसे, कोई नुकसान नहीं होता है इससे। यहाँ पर देखिए मुसंडे में भी यूज़ की हूँ और यहाँ पर चांदनी का प्लांट में भी, और ये देखिए यहाँ पर विंगा में भी मैं यूज़ की हूँ क्योंकि ये भी फ्लावरिंग प्लांट है और इसके हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा फूड है ये। क्रिसमैंथमम में अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वर्ड्स आने के बाद, तो कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें, आप हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा भी होता है तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा यूज हो जाता है तो काफ़ी जल्दी प्लांट को नुकसान पहुँचाता है। ऐसे भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है हर प्लांट के लिए। ऐसे कुछ और लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं जिसे आप बर्ड्स आने के बाद दे सकते हैं क्रिसमैंथमम में, तो उसका भी वीडियो मैं जल्द लाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक, नए जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने बगिया का ख्याल रखें। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी।